हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरी वन इज़ डूइंग फाइन। सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो, बिल्कुल ट्रैक पे चल रही हो और आप रेगुलरली हर चीज़ को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चों, कंटिन्यूइंग विद आर विरसा पंजाब द सीरीज़, ठीक है, आज हम शुरू करेंगे फेमस गुरुद्वाराज ऑफ पंजाब। ठीक है, इसमें हम सारे गुरुद्वारा जो जो मोस्ट फेमस गुरुद्वाराज हैं, ठीक है, उनको शॉर्टलिस्ट करके उनकी सिग्निफिकेंस पंजाबी कल्चर में, ठीक है, वो सारी हम एक बारी देखेंगे। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गुरुद्वारा, गुरुद्वारा कंस साहब। दिस गुरुद्वारा इज इन बटाला। राइट, तो इस गुरुद्वारा की जो सिग्निफिकेंस है उसमें क्या है कि जब गुरु नानक देव जी की शादी होनी थी, ठीक है, गुरु नानक देव जी वाइल गोइंग फॉर हिज वेडिंग, ठीक है, तो दे टुक अ हॉल्ट हेयर, दे वर वेटिंग फॉर हिज फादर इन लॉ बाबा मूलचंद जी। राइट, तो हुआ क्या, जब जैसे गुरु जी एक दीवार के पास बैठे तो एक लेडी आई उनके पास, तो उस लेडी ने कहा कि गुरुजी ये जो दीवार है इसकी हालत बहुत ख़राब है, ये दीवार ठीक नहीं है, ये गिर सकती है कभी भी, तो आप यहाँ से हट जाइए। बट गुरुजी ने क्या कहा उस लेडी को, गुरुजी ने उस लेडी को रिप्लाई किया कि बीबी चिंता ना करो, ये जो दीवार है ये कभी भी गिरेगी नहीं, ठीक है, ये दीवार अभी बहुत लंबे समय तक कभी ये गिरेगी नहीं। तो हुआ क्या, सबको पता ही था, ठीक है, तो जो वो वॉल थी वो कभी भी गिरी नहीं, ठीक है, और जो डिवोटीज थे जिन्होंने ये चीज़ विटनेस की, उन्होंने वहाँ पर गुरुद्वारा एज अ सिम्बॉलिक कि ये जो दीवार थी ये गुरुजी ने खुद इसको ब्लेस किया था, तो उस दीवार को जो ब्लेसिंग थी उसके मेमोरी में ये गुरुद्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे ही एक सिम्बॉलिक मड वॉल है अभी भी गुरुद्वारा कंस साहब में, 3 x 5 x 1.5 फीट की विड्थ है जिसकी, तो दैट इज इनकेस्ड इन ग्लास, तो ये अभी भी उस गुरुद्वारे में है। राइट, और ये जो गुरुद्वारा है ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलंधर डिवीजन में है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पीसीएस के पेपर में पूछा जा सकता है कि जो जो भी आपके फेमस गुरुद्वारा हैं कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या कौन सी डिवीज़न में है। तो डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न भी हम करेंगे आगे चलकर, बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो बटाला है ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और जलंधर डिवीज़न में है। ठीक है, चलिए, ये ऐसा दिखता है गुरुद्वारा। और अगला जो हमारा गुरुद्वारा है वो है गुरुद्वारा खदूर साहब। ये खदूर साहब में ही है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो जब गुरु नानक देव जी अपनी उदासी पर उदासी जो उन्होंने की थी, ठीक है, उसके दौरान वो 5 बार वो इस गुरुद्वारे में आए थे। ठीक है, और सारे जो हमारे 8 जो फर्स्ट 8 सिख गुरुज हैं उन्होंने सबने ही इस गुरुद्वारा में विजिट किया था अपने अपने टाइम पीरियड में। ठीक है, तो उदासी एक जनरल मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि उदासी क्या था। उदासी जब गुरु नानक देव जी एनलाइटेंड हो गए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो यात्रा करी थी, ठीक है, 20 ईयर्स के लिए उन्होंने यात्रा करी थी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, हर डायरेक्शन में उन्होंने यात्रा की थी और इन यात्राओं को उदासी कहा जाता है। राइट, तो हर उदासी के बाद वो पंजाब आते थे, हर उदासी के बाद, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, हर उदासी के बाद वो हमेशा पंजाब ज़रूर आते थे। और ऐसे ही इन उदासीज के दौरान 5 टाइम्स वो खदूर साहिब में भी आए। राइट, तो खदूर साहिब इज़ अ प्लेस जहाँ पर गुरमुखी हमारी जो स्क्रिप्ट लिपि है पंजाबी लैंग्वेज के लिए, वो फर्स्ट टाइम जिसका मीडियम ऑफ लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गुरु अंगद देव जी। गुरुमुखी प्रीमियर भी यहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया था। और खदूर साहिब कहाँ पर है, खदूर साहिब अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में और जलंधर डिवीजन में ही है। ठीक है, ये खदूर साहिब है आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद हमारा जो गुरुद्वारा है वो आ जाता है गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक। ठीक है, डेरा बाबा नानक में ये गुरुद्वारा है। तो डेरा बाबा नानक के पीछे क्या कहानी है कि जब गुरु जी अपनी फैमिली लाइफ जब गुरु जी ने स्टार्ट की थी करतारपुर साहब में, तो करतारपुर साहब से गुरु जी हमेशा डेरा बाबा नानक आते थे फॉर कैटल रेयरिंग, अपनी गायें चराने डेरा बाबा नानक तक जाते थे।
ठीक है। यहाँ पर जो गुरुजी हैं वो हमेशा मेडिटेट करते थे वेल के पास, जो यहाँ पे एक वेल बना हुआ है अजीता रंधावा का कुछ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उसके पास वो गुरुजी हमेशा मेडिटेशन किया जा करते थे, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट हो जाता है, राइट। डेरा बाबा नानक इज अगेन इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलंधर डिवीजन, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर डेरा बाबा नानक है, गुरुद्वारा साहब अपने डेरा बाबा नानक के। अगला जो गुरुद्वारा है हमारे पास वो है गुरुद्वारा बेर साहब, ये सुल्तानपुर लोधी में है, सुल्तानपुर लोधी में, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी, ये जो आज हमारे जो 5 गुरुद्वारा हम डिस्कस कर रहे हैं ये मेनली गुरु नानक देव जी की लाइफ के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। गुरु नानक देव जी जो बेन रिवर है सुल्तानपुर लोधी से होकर गुजरती है, गुरु नानक देव जी इस बेन रिवर के किनारे पर अपनी मेडिटेशन किया करते थे, एब्ल्यूशंस किया करते थे, और यहाँ पर एक बेर ट्री भी है जिसके जिसके कारण इसको गुरुद्वारे को बेर साहब का नाम दिया गया है। गुरु नानक जी ने यहाँ पर 14 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 13 डेज यहाँ पर मेडिटेशन की थी, ठीक है। और हुआ क्या था, एक बार गुरु नानक देव जी बेन रिवर में जब अपना मेडिटेशन कर रहे थे वो यहाँ से डिसअपियर हो गए, ठीक है। तो आफ्टर 3 डेज मतलब जब वो रीअपियर हुए थे तो ही वॉज एनलाइटेंड, राइट। तो दिस इज द गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु नानक देव जी डिसअपियर हुए थे बिफोर एनलाइटेनमेंट, ठीक है। वाइल बेदिंग हेयर वन डे बेन रिवर, तो जहाँ पर वो रीअपियर हुए थे उस गुरुद्वारे को हम कहते हैं गुरुद्वारा संत घाट साहब, ठीक है। और सुल्तानपुर लोधी है कहाँ पर, सुल्तानपुर लोधी कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में, अगेन जलंधर डिवीजन, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर सुल्तानपुर लोधी है। अगला जो हमारा गुरुद्वारा है वो है गुरुद्वारा चौबारा साहब, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ये बहुत सिग्निफिकेंस रखता है अपने पंजाबी कल्चर में, ठीक है। सबसे पहले इट वॉज द रेजिडेंस ऑफ श्री गुरु अमरदास जी, ठीक है। अमरदास जी का जो पूरा जीवन था वो इसी गुरुद्वारा में निकला था, राइट। गुरु अमरदास जी ने जो गुरुगद्दी दी थी गुरु रामदास जी को वो भी इसी गुरुद्वारा में दी थी, ठीक है। ज्योति ज्योत स्थान इज मेमोरियल, मतलब ये गुरु अमरदास जी और रामदास जी दोनों का जो है ये ज्योति ज्योत स्थान है, ठीक है। अगेन इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ गुरु अर्जन देव जी, और उनका बर्थ हुआ कौन से ईयर में था, 1563, राइट। गोइंदवाल साहब कहाँ पर है, इस तरन तारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलंधर डिवीजन, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर गुरुद्वारा चौबारा साहिब है, ठीक है। चलिए आज के लिए 5 जो हमारे फर्स्ट 5 गुरुद्वारा हैं वो इतने ही हैं, बाकी जो गुरुद्वारा हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।